हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल यानी मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों, मैं अभी पीछे कुछ दिन पहले वैकेंसीज कुछ थी हमारे पास, तो हमने कुछ वैकेंसी आपके साथ साझा किया था। काफ़ी लोगों ने अपने रिज्यूमे शेयर किए, तो हमारी टीम ने हमें रिज्यूमे दिए। कुछ रिज्यूमे उन्होंने शॉर्टलिस्ट नहीं किए, बाकी कुछ जो मेरे पास आए लगभग 20 रिज्यूमे मेरे को मिले। जब मैं 20 रिज्यूमे को देखने लगा दोस्तों, तो मैंने देखा कि इसमें से केवल और केवल 3 रिज्यूमे ऐसे थे जिनको सामने वाले क्लाइंट को भेजा जा सकता था। अब बाकी के जो रिज्यूमे थे 17, वो क्यों नहीं भेजा मैंने, उसका मेन रीज़न है उसमें से 10 रिज्यूमे ऐसे थे उन्होंने ये मेंशन ही नहीं किया था कि ये ओपनिंग थी रैबिट आर्किटेक्चर की। उनके रिज्यूमे में कहीं पे ये पॉइंट ही नहीं था कि दे नो रैबिट आर्किटेक्चर। रिज्यूमे का एक फॉर्मेट बना लिया है और जो भी ओपनिंग आ रही है सब जगह पे भेज दे रहे हैं और सोच में पड़े हैं कि शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं आ रहा है। शॉर्टलिस्टिंग ना आने का सबसे बड़ा रीज़न है कि जब वो स्किल ही नहीं है आपके पास जिस स्किल की रिक्वायरमेंट है, तो कोई सामने वाला आपके रिज्यूमे को क्यों फॉरवर्ड करेगा या क्यों देखेगा। वो रिज्यूमे को देखते ही उसको देख देता है, फेंक देता है कि यार कोई मतलब नहीं, इसको देख के ही क्या होगा। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि जॉब कम है और ऊपर से हमारी तैयारी कम है। तो अब मैं सारे रिज्यूमे को पढ़ूं ये भी पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने केवल 20 रिज्यूमे को पढ़ा। लगभग 30 या 35 रिज्यूमे शेयर हुए थे आपके और 4 वैकेंसीज थी, 2 मुंबई लोकेशन के लिए थी, 2 पुणे लोकेशन के लिए थी। और ये हाल फ्रेशर का ही नहीं, एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों का मैंने हाल देखा। दोनों के रिज्यूमे में इतने दम नहीं दिख रहे थे। बाकी जो 7 रिज्यूमे थे उनको मैंने जब देखा तो उन्होंने रैबिट आर्किटेक्चर मेंशन किया था, बट रैबिट आर्किटेक्चर में आता क्या है वो चीज़ें उन्होंने मेंशन नहीं किया था। क्योंकि रैबिट आर्किटेक्चर एक बहुत बड़ा सा सॉफ्टवेयर है, उसमें कुछ पॉइंट्स आप जब मेंशन करते हैं तो सामने वाले को समझ आता है यार इसको बहुत डीप नॉलेज है रैबिट आर्किटेक्चर का। क्योंकि आपको भी पता है कुछ लोग फेंकने के चक्कर में 2-4 स्किल लिख देते हैं। देखिए, मैं आपका दोस्त हूँ तो मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ कि कहाँ पर प्रॉब्लम आपके साथ होता है। आपने देखा अच्छा रैबिट आर्किटेक्चर सामने वाला मेंशन किया है, चलो अपन भी डाल देते हैं। ऐसे मत करो, ऐसे करने से क्या होगा कि सामने वाले को तो आता है तो उसने आगे कुछ लिख दिया कि मान लो उसको सेक्शन एलिवेशन निकालना आता है, उसको लेआउट प्लानिंग अच्छे से आती है रैबिट में, उसको अच्छे से एस्टिमेशन करना रैबिट में आता है, वो तो लिख दिया। आपने सिर्फ रैबिट आर्किटेक्चर लिखा है, तो सबसे पहली बात जब आपने रैबिट आर्किटेक्चर लिखा है तो उसके नीचे साथ में उसके साथ लिखिए कि उसके अंदर आता क्या है। आपको सामने वाले का इंटरेस्ट बढ़ता है, आप उसके रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट मेंशन करिए अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं तो। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट्स अगर आपने किए हैं तो सामने वाले को लगता है नहीं इसको डीप नॉलेज होगा इस चीज़ का, तभी इसने प्रोजेक्ट किया है। और आप ऑफकोर्स आप इंटर्नशिप करने गए या कहीं पे सीखने गए कोई भी कोर्स, तो कुछ प्रोजेक्ट्स तो आप वहाँ पे करते ही करते हो, उन्हीं प्रोजेक्ट को रिज्यूमे में शेयर कर दो कि हमने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो सामने वाले को लगता है जब आपने प्रोजेक्ट किए हैं तो आपको डीप नॉलेज पक्का होगा इस सॉफ्टवेयर का। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैंने और देखा कि रिज्यूमे के जो फॉर्मेट थे मुझे बहुत कम ही फॉर्मेट अच्छे लगे। बाकी एक फॉर्मेट मैंने आपको पीछे मेंशन किया था, उस फॉर्मेट को भी आप फॉलो कर सकते हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही फॉर्मेट को करो। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे भी अच्छा रिज्यूमे बनाते होंगे, तो आपको जो फॉर्मेट अच्छा लगता है वही फॉर्मेट लीजिए, बट उसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं, जो काम की चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट्स, स्किल और करियर ऑब्जेक्टिव, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ों को इस तरीके से मेंशन करिए कि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। आपकी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फ्रेशर्स के अलावा जो आपके जो मैंने देखा कुछ एक्सपीरियंस थे उन्होंने जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ ये लिखा था यहाँ से यहाँ तक, इस डेट से एग्जैक्ट वर्किंग थे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक। ऐसे नहीं होता है। सामने वाले को अगर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पता है तो उसको ये लगेगा इस चीज़ में तो ये माहिर है। और जो फ्रेशर हैं उन्होंने अगर ये मेंशन किया कि इंटर्नशिप में हमने ये चीज़ें सीखी है, तो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। तो ज़रूर मेंशन करिए कि इंटर्नशिप में हमने ये चीज़ें किया है। दोस्तों, अभी मैंने पीछे देखा आपने मॉर्निंग में एक वीडियो आया होगा आपको मिला, जो उसमें हम लोगों ने जॉब ओपनिंग के बारे में डिस्कस किया, दैट जॉब वाज रिलेटेड टू DMRC, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, राइट। तो अब मैंने क्या सोचा कि ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास टैलेंट है। मैं काफ़ी लोगों को जब टेलीफोनिक लेता हूँ लगता है यार इनके पास है अच्छा नॉलेज है, और उसके बाद भी उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से वो अच्छे से जॉब को पा सके। अगर हम आपको बता दें कि इस MNC में इतनी ओपनिंग्स है, इस मिड लेवल कंपनी में इतनी ओपनिंग है, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये HR के कॉन्टेक्ट्स अगर वहाँ पे साझा हैं तो हम आपके साथ शेयर कर दें,
और साथ ही साथ अगर वहाँ पे हमारे खुद के कॉन्टेक्ट हैं, क्योंकि कई कंपनियों में हैं, तो हम आपके डायरेक्ट सीवी को वहाँ पे फॉरवर्ड करवा सकते हैं। उसके साथ अगर आपके रिज्यूमे में कोई प्रॉब्लम है तो कोशिश करेंगे टीम के थ्रू बोला जाएगा कि उनको करेक्ट कर दिया जाए। अगर नहीं पॉसिबल होता है, बहुत ज़्यादा एडिटिंग है, तो हम आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर देंगे कि इस फॉर्मेट में सीवी को सेंड करिए। ये सारे काम हमने अभी स्टार्ट किए हैं, तो इसके लिए आपके भी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप हमारे इस काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना पेटीएम नंबर दे देता हूँ। इसमें आप कुछ जो भी डोनेट करना चाहें, चाहे 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ या वॉट एवर अमाउंट यू वॉन्ट, जो भी आपके बजट में आता है वो अमाउंट आप यहाँ पर शेयर कर दीजिए। तो क्या होगा कि हम अपनी टीम को ये चीज़ें दे सकते हैं और टीम हमारी जब बढ़ के काम करेगी तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये काम पहुँच पाएगा। और दूसरा जो काम को सपोर्ट करने का तरीका है, अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पे इस वीडियो को या जो भी हमारे चैनल के वीडियोस आते हैं इनको शेयर कर दीजिए। इसीलिए मैंने दूसरा चैनल भी अपना चलाया था, राइट स्टेशन। उसका मेन मोटो ये था कि कुछ वहाँ से भी अमाउंट आके एजुकेशन चैनल को हम आगे कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि प्रॉब्लम दोस्तों ये होती है यार कि देखो, अगर हम लोग वीडियो बनाते हैं और जो वीडियो बनाते हैं उससे जो अमाउंट आता है, अमाउंट तो आपको ही पता है बहुत कम अमाउंट आता है, और एजुकेशन चैनल पे तो बहुत कम, तो उस अमाउंट से हमारी जो एडिटिंग टीम है वो लोगों को मैं पेमेंट नहीं बल्कि मुझे खुद से पेमेंट करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कभी कभी कि यार इतने वीडियोस हम तैयार तो कर रहे हैं लेकिन अभी मुझे खुद के जेब से ही पूरा का पूरा सपोर्ट करना पड़ रहा है। इसके लिए लोग अलग से कोर्स बनाते हैं, कोर्स आपको सेल करते हैं महंगे रुपीज़, 3-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10 हज़ार की कोर्स खोलते हैं, या कोई लोग कंसल्टेंसी खोलते हैं वो अलग से आपसे पेमेंट लेते हैं। हम लोगों ने सोचा है नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, बस हमारी टीम को सपोर्ट हो जाए। क्योंकि आपको टीम अगर फुल टाइम काम करेगी तो आपको ही पता है फुल टाइम काम करने के लिए कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये तो लगते हैं। तो अगर इतने का अगर सपोर्ट आप मिल कर देंगे तो डेफिनेटली हम लोग आगे इस काम को करेंगे। और जो भी लोग अभी तक राइट स्टेशन को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर उसको भी कर लो। और वो चैनल न्यूज़ से रिलेटेड है, न्यू प्लेसेस के ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, तो आप अपने मदर फादर भाई बहन सबसे शेयर कर सकते हो, क्योंकि वो वीडियो सब देख सकते हैं। और आप बता सकते हो हमारे सर हैं जो यूनिक सिविल पे पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे राइट स्टेशन पे जो भी करंट न्यूज़ होता है उस पर अपने व्यू देते हैं, और आप भी अपने व्यू दीजिए। और साथ ही साथ एक लास्ट रिक्वेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको लगता है पता है कि यहाँ पर ओपनिंग है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या तो इंस्टाग्राम या फेसबुक, क्योंकि अभी कभी कभी मैं जो भी ओपनिंग्स आती है एडिटिंग के लिए मैं फ़ोन करूं एडिटर को कि आप इनको इस पोस्ट को बनाइए, उससे अच्छा रहता है मैं जल्दी से इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट कर देता हूं, और कभी कभी मैं फेसबुक के पेजेस पे अपने पेज पे वहाँ पे डाल देता हूं। तो अगर आप वहां से थोड़े से कनेक्ट हो, क्योंकि आप मीडिया तो चला ही रहे हो, तो अगर आप इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो तो तुरंत आपको ओपनिंग मिल गई। क्योंकि जहाँ पे एक दो ओपनिंग रहती है मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे एडिटर को कॉल करके ना बोला जाए कि आप एक पोस्ट बनाइए, क्योंकि एक दो ओपनिंग के लिए हम इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, फेसबुक के कम्युनिटी पे डाल देते हैं, यूट्यूब के कम्युनिटी पे डाल देते हैं, लोग आ जाते हैं। तो आप इन मीडिया पे भी अगर कॉन्टेक्ट करके रखते हैं तो जैसे ही कुछ शेयर किया आपके पास पहुँच गया, और आपके पास भी कुछ है मतलब कहीं का कॉन्टेक्ट तो आप इंस्टाग्राम पे हमें बता दीजिए। तो अगर आप मुझे बताते हैं तो हम दोस्तों को शेयर करेंगे तो काफ़ी लोगों का कल्याण होगा, और ऑफकोर्स यार अगर एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो धीरे धीरे अपना भी हेल्प हो जाएगा, और आपने मेरा किया मैंने आपका किया या उसका किया इसका किया, इस तरीके से एक चैन बन जाएगी, तो जो हमारी फैमिली है यूनिक सिविल की इसका एक सपोर्ट हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ दोस्तों, और साथ ही साथ एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा, मैंने आपको ओपनिंग शेयर किया, आप सबने रिवर्ड बैक किया ओपनिंग का, तो ये मुझे देख के अच्छा लगा, तो मुझे लगता है आगे भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाला है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, कुछ नहीं करना है, 2-3 शेयर कर देने हैं तो आपके एक शेयर से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हो सकता है, आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है, सिर्फ आपके लिए ही नहीं सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। हम सब एक साथ अगर रहेंगे, एक को जॉब को ओपनिंग प्रॉब्लम दूसरे को सॉल्व हो जाएगा, दूसरे का पहला सॉल्व कर देगा। इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।